जाना हमसे दूर है, जाना जरूर है, जाना जरूर है, मुझे भी लेके जाना है। आओ मदीने की बात चलिए सुनो, अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़े प्यारे लाड के लोग बैठे इधर सुने मोहब्बत के साथ। मदीना जी मदीना मस्जिद नबी है, मेरे करीम नबी की वो कच्ची मस्जिद है जिसे मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक 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 नरम नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया। एक दिन मेरे आका से मुलाकात के लिए बिहार के कुछ सिहाबी तवज्जो बिहार के कुछ मेरे नबी के गुलाम बिहार के रहने वाले मेरे आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, मुलाकात की गर्ज से आते हैं। मस्जिद नबी के सहन में जोहर की नमाज का टाइम बिल्कुल करीब है, जोहर की नमाज जाने कायनात के पीछे अदा करते हैं, जाने कायनात की इब्तिदा में अदा करते हैं। वो उड़ीसा के जिंदा दिल लोगों पानी संडा के रहने वालों आओ नबी के जलसे में नबी की सोनी सोनी बातें लेके जाओ। नबी के गुलाम गुलाम मदीने से 2-4 किलोमीटर दूर के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, मेरे आका की बारगाह में मुलाकात के लिए हाजिर होते हैं। जोहर की नमाज जाने कायनात की इब्तिदा में अदा करते हैं, जोहर की नमाज अदा करने के बाद मेरे आका मस्जिद नबी के सहन में आके बैठ जाते हैं, गुलाम दाएं बाएं से जमा हो जाते हैं, आका के चेहरे का दीदार कर रहे हैं, आका के चेहरे को तक रहे हैं। मेरे दोस्तों तवज्जो से रुखे ज़ेबा पे नजरे जमी है, बातें गुजर बातें होती चली जा रही हैं, वक्त गुजरता चला जा रहा है, असर की नमाज का टाइम हो गया, असर की नमाज जाने कायनात की इब्तिदा में। फिर असर के बाद मेरे करीम नबी मेरे आपके नबी मस्जिद नबी के सहन में बैठे हैं, फिर नबी के गुलाम दाएं बाएं बैठे हैं, सारे के सारे नबी के चेहरे को तक रहे हैं, सारे के सारे नबी के रुख से बुढ़िया ना खाओ रंग से जाने का रंग में आने लगा हूँ, सच्ची बात कर रहा हूँ, ऐसे माइक में वक्त छोड़ देता मगर तुम्हारे प्यार में बैठा हूँ, बुढ़िया मत खाओ, जी लगा के बोलो तुम्हारा। मेरे मेरे करीम नबी मस्जिद नबी में बैठे हैं, असर की नमाज के बाद का टाइम है, कौन सा असर की नमाज के बाद का टाइम है, असर की नमाज के बाद मेरे करीम नबी जाने कायनात मस्जिद नबी के फर्श पे बैठे हैं, नबी के गुलाम दाएं बाएं जमा है, आका के चेहरे का दीदार कर रहे हैं, आका के रुख ज़ेबा पे नजर जमी है। मगरिब की नमाज का टाइम हो गया, मगरिब की नमाज भी अदा कर ली जाती है, मगरिब की नमाज से फारिग है बेटा बोले मत, नजर तुझ पे भी बैठ आराम से, जाने कायनात के चेहरे को मुझे देखे, मुझे देखे, खिताबत का अपना एक हुनर है बाबू, खिताबत का अपना एक हुनर है, 50,000 के मजमे को खतीब भाप लेता है, तवज्जो से सुन लेना, तुम तो बहुत मुख्तसर बैठे हो और मैं नदी के इश्क के रंग में बैठा हूँ, मैं उधर आने लगा हूँ तवज्जो से बैठे बैठे, मैं सच बात करने लगा हूँ। शाहबाज़ भाई जब मेरा बचपन था ना, बचपन बेटे ख्वाब देखो बड़े देखो, जब मैं बहुत छोटा सा हिफ्ज़ क्लास में था उस वक्त भी मेरी सोच थी, मेरे इस्तादा ने कहा था बेटे ख्वाब देखो बड़े देखो, तवज्जो है, ख्वाब देखो बड़े देखो, अगला जुमला सोते हुए नहीं जागते हुए देखो, मेरी सोच थी जब मैं कभी इंशाल्लाह आलिम बनूंगा तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े 50,000 के मजमों में 1-1 लाख के मजमे में तकरीर करूंगा, जो बचपन में मैंने ख्वाब देखा था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत छोटी सी उम्र में अल्लाह ने उसे पूरा कर दिया। तुम कहां बैठे हो, तुम कभी ख्वाब ही नहीं देखते, तुम तरक्की की तरफ जाते ही नहीं। आज भी मुझे पटना एयरपोर्ट की वो दास्तान याद है, जब पटना एयरपोर्ट में मैंने फ्लाइट में अंदर एंट्री की, कारपेट की तरफ जैसे ही पायलट मुड़ा बैग थाने हाथ में आगे की तरफ जा रहा था, जैसे ही घूमा नजर मेरे चेहरे पे पड़ी ने देखा कि आलिम आ रहा है, सलाम किया अस्सलाम वालेकुम, नेम प्लेट में जब मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा मुमताज भाई नाम लिखा है फरहान खान, यार सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा सर आप ही लेके जाएंगे, आप ही जाएंगे लेके, बोले अल्हम्दुलिल्लाह इसी अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही लेके जाऊंगा। ओ नौजवानों इस धरती पे बसने वालों, मेरे दोस्तों उड़ीसा की वादी में अपनी जिंदगी को गुजारने वालों, तुमने कभी एहसास नहीं किया जब मैंने उस पायलट को देखा मेरा सीना चौड़ा हो गया, यार जिस फ्लाइट से मैं दिल्ली जाने लगा हूं कोई और नहीं वो मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। तुम इधर बातें करने लगे हो, हम देखते जब जिले का डीएम हमारा होता है हमारा सीना चौड़ा होता है, यार जिले का अधिकारी हमारा है, जब हम देखते एमबीबीएस चैंबर के अंदर एमबीबीएस डॉक्टर हमारा बैठा है हमारा सीना चौड़ा होता है। मेरे दोस्तों आज तुम कहाँ हो, अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजार रहे हो, हमें चाहिए कि आज अपने बच्चों के हाथ में मेजे तलवार और भाले देने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो, दुनिया तुम्हारा इतिहास लिखती। मैं सही बात करने लगा हूँ और मैंने पूरे मुल्क में कहा, झारखंड में 50,000 में मैंने ये बात कही थी, आज हमारे मदरसे भी ऐसे होने चाहिए कि जहाँ बच्चे आलिम बने और उसी दरसगाह में बैठकर हमारा बच्चा खून पर रिसर्च करता हुआ।
साइंसदान भी होना चाहिए, पायलट भी होना चाहिए, आईएएस अधिकारी भी होना चाहिए। हमारे बच्चे एमबीबीएस की डिग्री करने के बाद चैंबर में बैठने चाहिए। आज दिल रोता है, अल्लामा अमीन मियां ने महाराणा शरीफ ने कहा था आधी रोटी खाओ बच्चों को पढ़ाओ, मगर शकील अहमद रजवी कहता भूखे जाओ चटनी से खाना पड़े चटनी से खा लो, मगर अपने बच्चों के हाथ में कलम दे कलम दे कलम दे। दुनिया मिटा रही है, दुनिया मिटाने के चक्कर में लगी है, तुम्हें पता नहीं, हमसे पूछो, इन सफर करने वालों से पूछो। मेरे दोस्तों आज दिल रोता है, चित्रकूट में एक नाते जुमले पर मुझ पर भी एफआईआर कराई, अभी वो केस चल रहा है, अल्लाह से दुआ करिए कि रब्बे करीम उसमें बरी कर दे। मेरे दोस्तों तुम्हें पता नहीं है आज हालात कितने बदल गए हैं, तुम भी अपने हालात को बदल दो, अफरा तफरी में जिंदगी मत गुजारो। रात और रात फिल्मों के गाने देखने वालों, रात और रात गंदे ड्रामे देखने वालों, रात के 12 बजे तक पहली एमबी, रात के 12 बजे तक दूसरी आ जाती है, फजर की नमाज के बाद तक उसे एमबी को बर्बाद करने वालों, फजर की नमाज का टाइम होता कुत्ते की तरह उन्हें सोने वालों, याद रखना कयामत के लिए बहुत बड़ा दिन होगा, ये जवानी खत्म हो जाएगी, ये जवानी मिट जाएगी, बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखेगा, कभी तेरे घुटने में दर्द होगा, कभी तेरी पीठ में दर्द होगा, कभी तेरे सर में दर्द होगा, रात बड़ी मुश्किल से गुजरेगी, आह आह करके दुनिया से चला जाएगा, अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगा, रब्बे करीम एक मिनट के लिए तो जवानी पलटा दे, एक मिनट के लिए तो जवानी लौटा दे, मगर जवानियों पे गुरूर करने वालों, जवानियों को अय्याशियों के कच्चों पे गुजारने वालों, अरे मेरे दोस्तों ये पैगाम लेके चले जाओ, जवानियों को अय्याशियों के कच्चों पे रंगीन करने वालों, शराब के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, शराब पीना ऐसे जैसे सुअर का खून पीना है, याद रखना ये जवानी चल जाएगी, ये जवानी खत्म हो जाएगी, तेरा बुढ़ापा आह आह करके गुजरेगा, दुआ करेगा अल्लाह एक मिनट के लिए तो जवानी पलटा दे, अल्लाह एक मिनट के लिए तो जवानी लौटा दे, मगर नौजवानों पानी संडा के जिंदा दिल लोगों, दुआ करते करते मर जाओगे, मगर एक सेकंड के लिए भी ये जवानी वापस आने वाली नहीं। अपने आलिमों के करीब आओ, अपने आलिमों से मोहब्बत करो, अपने आलिमों से प्यार करो। आज दिल रोता है अगर जुम्मे की नमाज में चला जाए, हमने देखा है कि किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास बच्चा बीमार हो जाए तो 500 रुपए की फीस है, नहीं बोलो है कि नहीं है जी, और ज्यादा बड़ा बीमार हो जाए तो चेकअप 2000 का 3000 की रिपोर्ट रिपोर्ट तवज्जो है जो है न जाने कितने ले लेते हैं, अगर तुम्हें कभी ख्याल नहीं आता कि मस्जिद में जुम्मे के दिन जाते हो कम से कम 50 रुपए ले जाओ और आहिस्ते से हजरत के हाथ में सरक के आओ, हजरत के हाथ में रख दो, बोले हजरत ये लीजिए हमारे लिए दुआ कर दो, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ तुमने अपने आलिमों को इस अंदाज में मुसाफा करना शुरू कर दिया, न जाने कितनी बीमारियां तो वैसी काबूर हो दूर हो। अच्छा बताओ ईमानदारी से 50 रुपए की औकात क्या होती है यार, क्या औकात 50 रुपए की, कुछ भी नहीं है, अगर 50 रुपए तुम अपने आलिम को दिया इस अंदाज में कि हजरत बस दुआ कर दे, हजरत बस दुआ कर दे, इमाम के बच्चों का काम हो जाएगा, तुम्हारी बीमारियां। मगर ना ये मौलवी तुम्हें दीन सिखाए, इतना इतना कर रहा बुढ़ा पड़ा है मुमताज भाई, अभी 20 दिन पहले 70 साल का बुढ़ा मिल गया, दफन में से हम आ रहे थे, हमारे बुजुर्ग पुराना माने सब ऐसे नहीं होते, बड़े बड़े अच्छे बुजुर्ग भी हैं, बहुत मोहब्बत भी करते हैं, लंबी दाढ़ी हाजी थे, मैंने कहा आपसे याद सुना, बोले हजरत याद नहीं है, मैंने सुना तुम्हारे कुनूत याद, बोले ये तो बिल्कुल भी याद नहीं है, मैंने कहा बताओ तो जब यानी कि मिट्टी देते हैं मुर्दे को दफन करते हैं क्या पढ़ते हैं, बोले मौलाना सब जानते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये नहीं पढ़ते, बोले क्या मतलब, मतलब पढ़ते हैं मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, बोले मौलाना जितने मौलाना उतनी बातें, हमने 365 मुर्दे इसी कलमे को पढ़ के दफन कर दिया, आज तक कब्र से उठकर कोई नहीं भागा। अब जो है हाँ हाँ बोले ना 365 इसी पढ़ के कलमे को पढ़ के दफन कर दिया कब्र से उठकर आज तक कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। भैया बेचैन तो नहीं, हम भी चलेंगे सुबह को दावत खाएंगे, बैठो बैठो तकरीर बढ़ाएं के खत्म करें, सुनना चाह रहे हैं, घूर के तो नहीं देख रहे हैं, हाथ उठा के बोलो यार रसूल अल्लाह। अरे पानी संडा के लोग इतने अच्छे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, जितनी हजरत ने तारीफ की हजरत तारीफ के सामने आ गए, मगर वैसे तो मुझे 1 घंटा हो गया पूरा पूरा, आप चाहे तो और बढ़ जाएं, अल्लाह आपको सलामत रखे। सुने सुने बात कहाँ की चली थी मालूम है, मस्जिद नबी है मेरे करीम नबी के गुलाम बैठे हैं, जाने कायनात गुलामों के झुरमुट में बैठे बैठे अल्लाह
इतना हसीन मंजर होगा ओ मेरे दोस्तों नौजवानों, यार कितना सोना वक्त होगा, पूरी तवज्जो, कितना प्यारा वक्त होगा मगरिब की नमाज के बाद का टाइम है। हाय हाय हाय, आका की जुल्फों का दीदार कर रहे हैं। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, बच्चा बच्चा बोले ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान ये दिल वे तुम्हारा है, अरे ये जान तुम्हारी है।